लेट्स स्टार्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं। ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। यूनिट नंबर टू, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर आम कवर करवा। यूनिट नंबर टू यहाँ हूँ कौन कमन सिलेबस आईटीआई कमन सिलेबस। यूनिट टू यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट टू आम क्वेश्चन डिस्कसन कर हार्डली 30-40 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जदि आप 150 क्वेश्चन कि 160 क्वेश्चन जब जानवाक चाहते हैं तो आम मोबाइल आप्लिकेशन डाउनलोड कर आम कोर्स को परचेज करते। देन क्वेश्चन नंबर फोर को आम जा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ऑन सिलेक्शन ऑफ द मेजरिंग इन सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स। जब आम कौन इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्शन करवा इंस्ट्रूमेंट जब कौन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करवा चाहते क्या डिपेंड कर डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑफ द एक्यूरेसी नॉट प्रिसिस प्रिसिस पर डिपेंड करबा ना एक्यूरेसी पर डिपेंड कर। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। ए क्वेश्चन सब एग्जाम में प्राय पचारे। क्वेश्चन नंबर दुई को आम जा क्वेश्चन नंबर दुई कौन बच्ची सम इंस्ट्रूमेंट के मेजर प्रिसिशन रफली सम जो इंस्ट्रूमेंट आम मेजर करवा तार प्रिसिशन रफली केते हवा दरकार ना प्रिसिशन रफली 1 mm लेकिन 0.001 mm दरकार 1 mm रु आरंभ कर 0.001 mm हवा दरकार। ठीक क्वेश्चन नंबर दो। देन क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन कौन कहे अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ द न्यूमेरेसी बेसिक ऑफ द न्यूमेरेसी अनुसार इंस्ट्रूमेंट को आम के भाग डिवाइड करवा आम इंस्ट्रूमेंट को आम दि भाग भेद कर गोटे हूँ नॉन प्रिसिशन टाइप द इंस्ट्रूमेंट गोटे हूँ प्रिसिशन टाइप द इंस्ट्रूमेंट। आंसर इज बोथ बोथ बोथ। ठीक है डायरेक्ट टाइप द इंस्ट्रूमेंट कौन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन पचारे डायरेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट कौटा मुझे अलरेडी पढ़ाई डायरेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन स्टील रूल एक मेजर डायरेक्टली माइक्रोमीटर मेजर डायरेक्टली भेंडर कैलिपर भी मेजर डायरेक्टली सो दैट्स व्हाई दिस थ्री आर इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेजर इंस्ट्रूमेंट। व्हाट द आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कौन व्हाट द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड कैलिपर साइन बार। आंसर इज सी ऑल ऑफ दिस सब का हमें कौन कहे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को दिस आल्सो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टाइप मेजर करे पने वो कैन कंपेयर दिस आल्सो डिवाइडर डिवाइडर कौन करवा दीटा पॉइंट को आम दीटा पॉइंट को आम डिस्टेंस मेजर कर स्केल मेजर करवा सो दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर द जीरो डिवीजन द इंस्ट्रूमेंट्स करेस्पॉन्ड द जीरो फेलो द मेजर डायमेंशन इज नोन दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन मेजरमेंट जब आम जो को मेजरमेंट करिया रेडियस दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियल मेजरमेंट आपम ता को रेडियल मेजरमेंट को छे। क्वेश्चन नंबर 8 एपीएस मींस कोन दिस इज आल्सो कॉल्ड फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड जो सिस्टम सेरा कोड अप्लाई हो ब्रिटिश एंड द एलाइड कंट्रीज ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन जो ब्रिटेन जो शासन करथिला दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोली कोजे कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोली हम ता कोजे कॉमनवेल्थ कंट्रीज से कॉमनवेल्थ कंट्रीज एप्लीकेबल दिस इज आल्सो एबीएस फूड पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। ठीक है दिस इज वन ऑफ द सीजे सिस्टम। एमके सिस्टम इज नोन एज द मैट्रिक सिस्टम एमके सिस्टम का मैट्रिक सिस्टम बोली कोजे की रिकग्नाइज करसी रिकग्नाइज बाय आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज कला परे से एमके सिस्टम को हम कोन को जे मैट्रिक सिस्टम बोले हम तो कोचे। ठीक है द इंटरनेशनल यूनिटी द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिटी द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिटी हम कोन कोचे दिस इज आल्सो कॉल्ड एसआई यूनिटी दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिटी दिस इज सिंपली आल्सो कॉल्ड ता हम कोन कोचे एसआई यूनिटी बोले कोचे। क्वेश्चन 11 ये सब तो गुटे वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसीबो हाउ मेनी फंडामेंटल सप्लीमेंट यूनिट आर द यूनिट वर्ल्ड वर्ल्ड के फंडामेंटल यूनिट अच्छी और कितने सप्लीमेंट यूनिट अच्छी मन रख सेवेन फंडामेंटल यूनिट एंड द टू सप्लीमेंट यूनिट सातटा फंडामेंटल यूनिट अच्छी और दीटा सप्लीमेंट यूनिट भी अच्छी। यूनिट्स लेंथ लेंथ रो यूनिट कौन कौन व्हाट द यूनिट्स ऑफ लेंथ इंच हो पार फिट हो पार यार्ड हो पार फॉलोंग हो पार माइल हो पार देन बोथ आंसर इज बोथ आंसर इज बोथ बार आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 कौन आउंस पाउंड एंड क्वार्टर आउंस पाउंड क्वार्टर दिस इज क्विंटल दिस इज क्विंटल क्यू आई एन टी एन क्विंटल तो आउंस कौन पाउंड कौन और क्विंटल आर द यूनिट ऑफ आर कार यूनिट दिस इज यूनिट ऑफ द मास यूनिट ऑफ मास मास रो मास क्विंटल 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg 100 kg और 1 टन इक्वल टू कते 1000 kg 1 टन 1000 kg दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 9 एंड 10 स्क्वायर फीट ये सब परीक्षा पचछि 9 एंड 10 स्क्वायर फीट इज आल्सो द फीट एंड यार्ड आप हम कहो जे फीट एंड यार्ड बोली कोचे। देन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 काम जिया क्वेश्चन नंबर 15 पेंट लेटर पेंट एंड गैलन लेटर है पर पेंट है पर गैलन पर कार यूनिट दिस इज गैलन यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ये वॉल्यूम रे यूनिट बोली कोचे। लेटर कार यूनिट वॉल्यूम रे यूनिट पेंट भी कार यूनिट वॉल्यूम रे यूनिट गैलन भी कार यूनिट वॉल्यूम रे यूनिट क्वार्टर बोली कोचे कप कप कार यूनिट वॉल्यूम रो क्वार्टर बोली कोचे क्वार्टर भी कार वॉल्यूम दिस ऑल आर द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम
रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड, इधर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करिबा त केतना 300 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन बुझला। यदि सेंटी सेल्सियस को यदि हमें केल्विन में कन्वर्ट करिबा त 273 के ऐड करिया, यू कैन ऐड 273 टू द सेंटीग्रेड टू बिकम ए केल्विन, ये कौन है जो केल्विन में कन्वर्ट कर दवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 17, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर का को जे जैसे 1.033 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस आंसर 1.033 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहो छे, और नहीं तो 14.7 द पाउंड पर द इंच स्क्वायर, पाउंड पर द इंच स्क्वायर दीरा को मिस के हम कौन कहो छे, दिस इज आंसर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आप कौन कहो छे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहो छे, दिस इज व्हाट द आंसर, आंसर इज सी 1 इंच 1 यार्ड, 1 इंच 1 यार्ड इक्वल 20 520, 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 एमएम, 25.4 mm और 36 इंच। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 1 डिग्री, 1 डिग्री हाउ मच 60 मिनट। ठीक है, 1 यार्ड हाउ मच, 1 यार्ड इक्वल 3 फीट, 1 यार्ड इक्वल 3 फीट, 1 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल 3 फीट और दी 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल 9 स्क्वायर फीट, 9 स्क्वायर फीट, दिस वेरी वेरी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो इन द आर व्हाट द फ्लक्स, फ्लक्स यूनिट कौन, व्हाट द यूनिट द फ्लक्स वेबर, व्हाट यूनिट चार्ज, चार्ज यूनिट कौन कूलम, यूनिट चार्ज इक्वल टू कूलम। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस कहते हैं, मन रखो डाटा, दिस इज आल्सो 1000 ओम, द यूनिट द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यूनिट कौन पॉइस आई पारियो और सेंट्रीपॉइस आई पारियो, पॉइस आई पारियो सेंट्रीपॉइस, दिस इज यूनिट द टू यूनिट, बट द आंसर, आंसर इज बोथ ए एंड सी, द यूनिट द विस्कोसिटी इक्वल टू पॉइस और सेंट्रीपॉइस, द यूनिट द विस्कोसिटी इक्वल टू पॉइस सेंट्रीपॉइस, रिमेंबर दैट क्वेश्चन। ठीक है, द यूनिट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द यूनिट द स्ट्रेस, स्ट्रेस यूनिट कौन, स्ट्रेन यूनिट कौन, देखियो स्ट्रेन हो कौन तीन प्रकार स्ट्रेन, गोटे हूँ लंगिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल स्ट्रेन, गोटे हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, गोटे शियर स्ट्रेन, चेंज इन एंगल बाय ओरिजिनल एंगल, दिस ऑल आर द इन आर भाई वीडियो, सारे वीडियो रे आछि भलो रे बाबा। ठीक है, तो ये आर लेंथ बाय लेंथ नो यूनिट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नो यूनिट, एंगल बाय एंगल नो यूनिट, दो स्ट्रेन हैविंग स्ट्रेन कौन नो यूनिट, स्ट्रेन का यूनिट ना, स्ट्रेन का यूनिट ना, सर स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स मोमेंट एरिया, स्ट्रेस द फोर्स न्यूटन हबो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करिया, जदी सीजीएस सिस्टम हो डाइन पर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एदे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कार स्ट्रेस रो यूनिट और स्ट्रेन ओन यूनिट, व्हाट द आंसर, आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सो द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द फार्मूला कोन, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इक्वल रो एल बाय ए, व्हाट द आर, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, रो रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए, रो किन भाग किया, रो इक्वल टू आर इनटू ए बाय एल, रेजिस्टेंस यूनिट कौन ओम, एरिया यूनिट कौन मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हैला कौन ओम इनटू मीटर, क्लियर। सो दिस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल ओम इनटू मीटर, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इनटू मीटर, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूरा मन रखियो, यू कैन रिमेंबर एम्पियर सेकंड, दिस इज वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड कौन, व्हाट द आई, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इक्वल टू कौन, चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज इक्वल टू आई, आई यूनिट कौन एम्पियर, टाइम यूनिट कौन सेकंड, तो एम्पियर सेकंड का एम्पियर सेकंड यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर सेकंड यूनिट चार्ज, बुझला क्लियर। सो व्हिच द फॉलोइंग करंट इज वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन बॉडी, आम जानचे कौन भि इक्वल टू आई इंटू आर, व्हाट इज आई, आई इक्वल भि बाय आर, कते वोल्टेज आम घर को प्रवेश 230, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस कते 1000 ओम, मतलब एप्रोक्सीमेटली 23 मिली एम्पियर आम बॉडी टॉलरेट कर पारियो, बा एप्रोक्सीमेटली 25 मिली एम्पियर पर जीवा, जदि 25 एम्पियर ज्यादा हला ताहले बॉडी वेरी डेंजरस, मरी जीवा पाखा कि मरी जीवा मरियो, डेंजरस टू द ह्यूमन बॉडी, यदि 50 मिलीमीटर हबो ताहले बचार चांस ना। सो दिस इज वेरी वेरी, दिस इज आई क्यू क्वेश्चन, आपको आर पर अटेंडमेंट कर पारियो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर का दिस इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज नॉट द वोल्टेज, ये क्वेश्चन सब आसे, दिनुट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कोन, एफिशिएंसी नो यूनिट, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इटा इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय नो यूनिट, बा एफिशिएंसी को हमें एफिशिएंसी के रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमें परसेंटेज लिख परबा, माने कहबा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी केते 98% बा 95% बुझला, किंतु ट्रांसफार्मर को यूनिट नेबा, एफिशिएंसी को यूनिट नहीं है, नो यूनिट बुझला क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट्स डायमेंशन, यूनिट्स डायमेंशन क्वेश्चन। ठीक है,
सेपरी ये आम गोटे डायमेनसन पढ़वा सेपरी विकन से डायमेनसन से पचवा व्हाट द डायमेंस ऑफ द प्रेशर व्हाट द डायमेंस ऑफ द बा 50 पढ़िया 50 नंबर क्वेश्चन व्हाट द डायमेंस ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन ऑफ यूनिट कौन स्ट्रेन इक्वल टू व्हाट द स्ट्रेन स्ट्रेन मु कहली चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लेंथ बाय लेंथ 0 को यूनिट लेंथ बाय लेंथ 1 तो मु कौन लिखबी m0 l0 t0 दिस इज नो यूनिट बा नो डायमेंशन कौन m0 l0 t0 डायमेंशन होची कौन जे कोन से क्वांटिटी को आमे मास लेंथ टाइम दे लिखवा सेटा हो तर डायमेंशन ठीक है क्लियर तो एही पर भाव जदि क्वेश्चन आंसर जानबा चाहौ छदि एही पर भाव जदि एग्जाम क्रैक करबा चाहौ छदि एही पर भाव जदि वीडियो जानबा चाहौ छदि बा 150 200 क्वेश्चन जानबा चाहौ छदि ताहाले यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड।